सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारे ब्लाउज के जो शोल्डर हैं वो 6 इंच के हैं। अब हम यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की। गले की लंबाई हम जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, तो हम इसकी लंबाई 9 इंच की लेंगे। ये हमने चौकुटा गला बना लिया। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। अब हम ये दोनों साइड पे पट्टी रखेंगे। नीचे की साइड हम ये वाली पट्टी रखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सिलाई से दबा देंगे, इसको भी चौकुटा बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। अब हम हल्का सा यहाँ कैंची का कट लगा देंगे जिससे हमारा गला चौकुटा रहे। इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। ये हमारा चौकुटा गला बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर पट्टियां लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से कर देंगे जिससे हमारी इधर दूसरी तरफ भी डिजाइन बराबर। अब हम एक बुकरम लेंगे, इसको हमने डबल किया। जितना बड़ा हमारा पल्लर है पीछे का, उसकी चौड़ाई के नाप से हमने बुकरम लिए और इस बुकरम में हम इस तरीके का शेप देंगे। इस पे मैं आपको निशान लगा के बता दूं, ये हमने शेप दिया है। यहाँ से हम 1-1 इंच चौड़ाई पे रखेंगे। अब हम ये बुकरम को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे कि हमें कितनी दूरी पे लेस लगानी है।
तो ये नीचे की साइड हमने लेस लगा ली है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर है जो हमारी साड़ी का वो लगाएंगे। हमें पीछे प्लेट डालनी है तो हम इसमें पहले प्लेट डालेंगे। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई हम 3 इंच की डालेंगे। अब हम ये लेस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। यहाँ से हम आधा आधा इंच छोड़ के इस तरीके से लगाएंगे। अब हम यहाँ पे ये पट्टी को लगाएंगे। तो पहले हम इस पे गोल्डन कपड़े पे इसको, ये कपड़ा हमारा उल्टा है तो हम इसको इस तरीके से रख के पहले सिलाई लगाएंगे। इसको हम अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हम ये बीच में यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करके लगाएंगे। जैसे हमारा ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम निशान लगा लें। इसको हमें यहाँ पे रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। अब हम इसके नीचे भी लेस लगाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीछे का
ब्रेक डिजाइन बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।